नया फोल्डर बना लेता हूँ, मैंने कहा 7 डॉट टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर जो है वो ES6 में कोई ख़ास चेंज नहीं आया है, कोई ख़ास क्या, कुछ भी चेंज नहीं आया, सब वही है। अच्छा, अब ये ब्रीफली मैं आपको ज़रा बता दूं कि जी टर्नरी ऑपरेटर में और इफ एल्स में मेनली डिफरेंस है क्या। देखो मिसाल के तौर पे अब मैंने क्या करना है, मेरे पास डेटाबेस से एक वैल्यू आती है और उस वैल्यू के बिहाफ पे मैंने ये एक जुमला कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। ये जुमला कंस्ट्रक्ट करने वाला जो ये हमने जो लास्ट का कोड लिखा था ना कि जी टेम्परेचर इज़ 40 जो है, टेम्परेचर इज़ 40, तो हम यहाँ पे क्या करते थे कि जी अगेन मैं दो कंडीशन पे आ जाता हूँ सिर्फ, ये इतनी सारी वाली कंडीशन को छोड़ के ना मैं सिर्फ दो सिंपल कंडीशंस पे आ जाता हूँ मैं, ठीक है। और मैं इसको कह देता हूँ कि जी बस ये इफ़ है और एक एल्स है। ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं कर रहा मैं ताकि वो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, चीज़ जितनी सिंपलसिटी के साथ समझ आएगी ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, तो मेरे पास क्या आया जी, एक अदद वैल्यू आ रही है टेम्परेचर की, ऑन बिहाफ ऑफ दैट वैल्यू मैं क्या डिसाइड करता हूँ कि जी अगर वो वैल्यू 29 से बड़ी है, यानी 30 या 30 से ऊपर है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि जी वेदर इज़ हॉट, और अगर वो वैल्यू 29 से छोटी है तो मैं कहता हूँ कि जी वेदर इज़ नॉर्मल, ठीक है। अभी ये दो कंडीशन है, वैसे तो वो हैं 4-5 ही, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 2 पे आ गया हूँ टू कीप इट सिंपल। अच्छा, अब जो हम क्योंकि चैट बॉट पढ़ने जा रहे हैं ना, तो चैट बॉट में ये जुमला कंस्ट्रक्ट करने वाला जो मसला है ना, ये बहुत ज़्यादा है और टर्नरी ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा हम एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करने वाले हैं, और एक एक जुमले को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ना सम टाइम हमें 100 लाइन तक का भी कोड लिखना पड़ सकता है। वो अब इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे तो हम आपको आइडिया होगा कि वो क्या चक्कर है, ठीक है। अच्छा, और मुश्किल चीज़ के ही पैसे हैं भाई, आसान चीज़ के कोई पैसे नहीं है। तो अब मुझे एक जुमला कंस्ट्रक्ट करना है कि जी वेदर इज़ हॉट या वेदर इज़ नॉर्मल, ये जुमला बना के यूज़र को मैंने रिटर्न करना है। यूज़र की रिक्वेस्ट आई थी सम हाउ कि यार व्हाट्स द वेदर, ये इस तरह की कोई बात की थी यूज़र ने, जिसके जवाब में मैं डेटाबेस से ये मुझे वैल्यू उठाई मैंने कि जी अभी 40 है, और उसके बिहाफ पे मैंने कंडीशन लगा के ना ये जुमला कंस्ट्रक्ट करना है। अच्छा, अब ये इफ़ एल्स से क्या होगा कि ये मुझे 4-6 लाइन का कोड लिखना पड़ गया। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर की खूबसूरत बात यह है कि वो इन लाइन है, इन लाइन चल जाता है, इफ़ एल्स इन लाइन नहीं चलता है। अच्छा, इन लाइन अगर मैंने चलाना तो मैं कैसे चलाऊंगा? सबसे पहले तो यार एक चीज़ आप समझें, सबसे पहले तो आप ये समझें कि जी अच्छा ये एक मैंने यहाँ पे कोई जुमला लिख दिया, ये जो जुमला लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग में लिखा हुआ है ये। अच्छा, स्ट्रिंग को लिखने के जावास्क्रिप्ट के अंदर 3 तरीके मौजूद हैं। नंबर एक तरीका तो ये डबल कोटेशन से शुरू, डबल कोटेशन पे ख़त्म, ये भी स्ट्रिंग, नॉर्मल स्ट्रिंग कहलाता है। एक ये है कि सिंगल कोटेशन से शुरू और सिंगल कोटेशन पे ख़त्म। अच्छा, अब ये सिंगल और डबल कोटेशन जो है वो दो इन्होंने क्यों रखा, वो इसलिए रखा कि अगर जो है ना, मिसाल के तौर पे मुझे अंदर मुझे ऐसे लिखना है दैट्स, ये तो एरर हो गया, तो अगर अंदर मुझे लिखना है सिंगल कोट तो मैं बाहर लगाऊंगा डबल कोट। हाँ, तो अंदर अगर मुझे ये सिंगल कोटेशन अगर डालनी है ना, तो बाहर की जो बाउंड्रीज है वो मुझे डबल कोटेशन से रखनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि मुझे अंदर डबल कोटेशन लगानी है तो बाहर मुझे सिंगल लगाना पड़ेगा, सही है। तो अब ये क्या होगा, सेंटेंस से ऐसे ही प्रिंट होगा एज इट इज़। इसको ज़रा चला के भी देख लेते हैं, ठीक है। डबल कोटेशन मुझे अगर एज अ सेंटेंस अंदर प्रिंट करना था, ये क्या हुआ, अच्छा वो ये प्रिंट क्यों नहीं हुआ जुमला, अच्छा ये दूसरी फाइल चल रही है, हाँ
सही है। अब देखो दिस दिस इज़ अ सेंटेंस, मुझे ये प्रिंट करना था, तो ये प्रिंट हो गया। तो डबल कोटेशन मैंने क्योंकि अपने जुमले में ऐड किया था, तो इसकी बाउंड्री मुझे किस पर डिफाइन करनी पड़ी, सिंगल कोटेशन पे। अब जो है प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ऐसे दैट्स करके करूँ ना, अब मेरे पास सिंगल कोटेशन भी आ रही है और डबल कोटेशन भी है, अब क्या करूँगा मैं इसके लिए। इस मसले को हल करने के लिए ES6 में एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई है जिसको हम कहते हैं बैक टिक। सही है, बैक टिक कौन सा बटन होता है आपके पास, जो इस एस्केप का जो बटन है कीबोर्ड में उसके नीचे होता है। ठीक है, सब लोगों को मिल गया, देख लो कीबोर्ड पे। अच्छा, तो ये बैक टिक, ये सिंगल कोटेशन नहीं है। देखो सिंगल कोटेशन ये वाला है, बैक टिक ये वाला है, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं अगर जिनको नहीं पता है पहले से। तो जी बैक टिक क्या होता है, आपके कीबोर्ड में लेफ्ट हैंड टॉप लेफ्ट के ऊपर ना एस्केप के बटन के फौरन बाद जिस बटन पे अलिफ मद्दा बना हुआ है हाइफन, उसी बटन के ऊपर अगर आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो अलिफ मद्दा आएगा हाइफन, और बगैर शिफ्ट के दबाएंगे तो ये बैक टिक आ जाएगा। तो ये बैक टिक इंट्रोड्यूस करवाया गया ES6 में। अच्छा, इसमें एक तो ये मसला हल हो गया सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन वाला, दूसरा ये भी एक बेनिफिट हो गया कि अगर मुझे ना साथ में इसके कोई वेरिएबल भी प्रिंट करवाना है, तो पहले मुझे क्या करना होता था, मैं ऐसे प्लस लगाता था और साथ में क्या होता था, ये वेरिएबल हो जाता था। अभी इस वेरिएबल में क्या लिखा हुआ है, इस वक्त 40 लिखा हुआ है, तो अब ये ना लिखा हुआ आएगा कि दैट्स अ सेंटेंस और 40 साथ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये 40 लिखा हुआ आ गया, तो ये तो मसला हल हो गया। लेकिन अगर मुझे इसको दरमियान में करना है, इस वेरिएबल को मुझे दरमियान में करना है, तो फिर मैं क्या करता था, फिर मैं ये करता था कि इसको मैं ब्रेक करता था दो सेंटेंसेस में, ये करता था मैं। ठीक है, ये एक अलग स्ट्रिंग है और ये एक अलग स्ट्रिंग है, और मैं बीच में ला के लिख देता था कि जी वो temp। अब होता क्या था कि ये पहला स्ट्रिंग कॉन्कैडिनेट होता था इस वेरिएबल के साथ। जब एक स्ट्रिंग को और एक नंबर को हम कॉन्कैडिनेट करते हैं तो स्ट्रिंग ही जनरेट होता है। ठीक है, जब दो वेरिएबल को मैं प्लस करता हूँ, लेफ्ट वाला स्ट्रिंग हो या राइट वाला स्ट्रिंग हो, रिजल्ट उसका स्ट्रिंग में आता है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, होगा वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, हमने प्लस की एसोसिएटिविटी देखी है, प्लस किसकी तरफ से चलता है, इस तरफ से चलता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। यानी यहाँ पे अगर टू लिखा हुआ है और इधर फाइव लिखा हुआ है तो टू प्लस फाइव होगा, फाइव प्लस टू नहीं होगा, जावास्क्रिप्ट इसको इस तरह देखता है। तो ये वाला पहले देखेगा, उसके बाद ये देखेगा, इन दोनों का मिला के क्या बनेगा, एक स्ट्रिंग बनेगा, फिर इसको प्लस करेगा वो ये तीसरे के साथ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। चला के देखते हैं इसको, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखें दैट्स अ 40 सेंटेंस, ये ऐसी बात लिखी हुई है। यहाँ पे स्पेस दूंगा मैं तो वो ए और 40 के दरमियान स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इस तरह से होता था, लेकिन ES6 में अब इन्होंने बोला है कि आप ऐसे नहीं करोगे, अब ये जुमला सेम ही रहेगा, आप यहाँ पे क्या लगाओगे, टेम्पलेट लगाओगे, ES6 टेम्पलेट कहते हैं इसको। ठीक है, ES6 टेम्पलेट के लिए क्या होता है जी, अच्छा ये मैं सिंगल कोट वोट हटा देता हूँ अब, ताकि जो है ना ज़रा अब ये, ठीक है, अब ये सिंपल सा एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस के दरमियान में आके मैं डॉलर लगाया मैंने, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस लगाए, और इसको हम क्या कहते हैं, ES6 टेम्पलेट कहते हैं। इसके अंदर आके मैं किसी भी वेरिएबल का नाम लिख दूंगा तो वो वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, लेकिन वो असल में ये है चक्कर क्या, ये वेरिएबल प्रिंट करने का चक्कर नहीं है, ये बोलते हैं कि भाई ये इस टेम्पलेट के अंदर ना आप कोई भी बात लिखोगे उसको एज अ जावास्क्रिप्ट कंसिडर किया जाएगा, जावास्क्रिप्ट के तौर पे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पे फिर ये बात भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो पहले इसको ना वो एग्जीक्यूट करेगा और सिंगल वैल्यू पे इवेल्यूएट करेगा, सिंगल वैल्यू पे लेकर आएगा उसको। ठीक है, तो ये आपस में, अच्छा नम वन पे जो भी होगा, इस वक्त 40 है तो ये 40 रिटर्न करेगा, फिर ये दोनों प्लस होंगे तो ये एक नंबर रिटर्न करेंगे जो भी नंबर होगा वो। अच्छा, फिर वो नंबर क्या होगा, जैसे एक नंबर इसने प्रिंट किया 56 मिसाल के तौर पे, वो नंबर जो है ना यहाँ पे ये पूरा वो रिटर्न हो जाएगा नंबर यहाँ 56 ऐसे। तो ये असल में काम ये हो रहा है। ठीक है, आमतौर पर इसको वैल्यूज़ को दरमियान में प्रिंट कराने के लिए काम किया जाता है, लेकिन असल में इसको एज अ जावास्क्रिप्ट ट्रीट करता है ये, इसके दरमियान में जो भी बात लिखी हुई होगी उसको ये एज अ जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है, और जावास्क्रिप्ट के तौर पे एग्जीक्यूट कर, अगर तो वो सिंगल वैल्यू है तो वो फिर कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज़ उसको सिंगल वैल्यू पे उसको इवेल्यूएट करके
लास्ट में जो भी बचता है वो रिटर्न करके उसको स्ट्रिंग के दरमियान में प्रिंट कर देता है। अच्छा जी, तो num1 प्लस 34 मैं अगर करता हूँ तो मेरे पास ये क्या हुआ, num1 इज नॉट, अच्छा num1 नहीं है ना, ये तो temp है, ठीक है, 74 उसका रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ था तो 74 यहाँ प्रिंट हो गया। अच्छा अब चक्कर क्या है कि ये मुझे टेम्पलेट तो समझ आ गया, अब मुझे करना ही है, देखो अब मेरे पास चक्कर ये है कि मुझे ये बताना है वेदर इज और वेदर इज के बाद ना इस जगह पे मुझे क्या करना है, नॉर्मल या हॉट दिखाना है। अच्छा ये एक छोटा सेंटेंस नहीं है, ये एक बड़ा सेंटेंस है, इसको मैं बल्कि एक बड़ा सेंटेंस भी उठा लेता हूँ यहाँ से, वेदर अपडेट, बल्कि मैं इससे पूछता हूँ ना सीरी से, व्हाट्स द वेदर, इट्स करंटली क्लाउडी एंड 32 degrees, कॉपी करना, व्हाट्स द वेदर, इट्स करंटली क्लाउडी एंड 32 degrees। अच्छा ये कॉपी नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये एक एक बड़े जुमले का एक पार्ट है। अच्छा अब देखो क्या होगा, इट्स करंटली क्लाउडी की जगह ना मुझे विंडी भी हो सकता है, रेनी भी हो सकता है, ठीक है, और ये 32 डिग्रीज की जगह ना ये 32 के अलावा भी कुछ हो सकता है जो डेटाबेस से, ये तो चलो सीधी सीधी वैल्यू आ रही है, क्लाउडी को क्लाउडी कर दिया, 32 को 32 कर दिया, अब मुझे लास्ट में ये बताना है कि जी वेदर इज़ गुड या बैड, क्योंकि वो आपने आजकल जो नई वाली ऐप्स हैं वेदर की उसमें ये होता है कि वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को देखते हुए ना वो ये बताता है कि वेदर इज़ प्लेजेंट और नॉट, ठीक है, वेदर इज़ प्लेजेंट और नॉट। वो घर में आजकल लगाने वाले जो थर्मोस्टैट है ना उसमें भी वो एक हैप्पी फेस और सैड फेस वो बना के दे रहे होते हैं, ठीक है, वैसे क्योंकि जैसे अभी 32 डिग्रीज है तो 32 डिग्री कोई बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बंदे की बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो 37 होता है, तो एनीथिंग बिलो 37 शुड फील कोल्ड, 32 डिग्री में आपको थोड़ी बहुत ठंड लगनी चाहिए आइडियली क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 37, 37 से एक डिग्री भी कम हो ना तो आप उसको जब टच करेंगे तो आपको वो ठंडा फील होना चाहिए, लेकिन आपको 32 में लगती है गर्मी, वो चक्कर असल में ये कि ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है हमारी, ह्यूमिडिटी 82% हुआ हुआ है तो वो इस वजह से वो लगता है, तो वो कैलकुलेट करके ना बताता है कि अच्छा जी वो ह्यूमिडिटी आइडियल ह्यूमिडिटी जो है वो 20 से नीचे नीचे है, 20 हवा में जो नमी होती है वो 20% से कम कम होनी चाहिए तो ये आइडियल होता है, और टेम्परेचर फिर आपका जो है ना 32 आपको बहुत अच्छा फील कराता है, तो वो चक्कर क्या है उसका कि जो है ना वो कैलकुलेट करके वो बता रहा होता है। वेल तो अब हमें भी यहाँ पे एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है डिपेंडिंग ऑन कि वेदर इस वक्त क्या है, ठीक है, तो खैर ये एक बड़ा जुमला था, मैं उसको वापस से शॉर्ट कर देता हूँ, तो वेदर इज़ जो मैं ये कह रहा हूँ ना बीच में जो बात लिख रहा हूँ मैं, ये एक बड़े जुमले का छोटा पार्ट है, आप इमेजिन करें कि 10 लाइन का एक पैराग्राफ था और दरमियान में मुझे एक वैल्यू कंडीशनल डालनी है कि जी वेदर इज़ नॉर्मल और हॉट। ये चैट बॉट में हम बहुत ये चीज़ आएगी हमारे पास, क्योंकि जब भी कोई हम जवाब देंगे बंदे को तो उसको जुमला कंस्ट्रक्ट करके हम दे रहे होंगे तो वो इसी तरह दे रहे होंगे, क्योंकि डेटाबेस में तो वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है मेरे पास, वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, अब उस ऑब्जेक्ट को मुझे ऑब्जेक्ट के तौर पे तो नहीं दे सकता मैं, क्योंकि चैट बॉट है, नेचुरल लैंग्वेज में जवाब देना है मैंने, तो मैं जैसे ऑर्डर का स्टेटस पूछ रहा है बंदा कि भाई व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माय ऑर्डर, अब मेरे मैंने उसका ऑर्डर उठाया जो लास्ट ऑर्डर उस बंदे का वो मैंने उठाया, अब उसमें स्टेटस पेंडिंग और उसमें जो भी उसका प्राइस थी वो, और उसके बाद और क्या होता है ऑर्डर में, ऑर्डर का जो टाइम होता है एस्टिमेटेड टाइम कि जी कितनी देर में कब डिलीवर हो जाएगा, मिसाल के तौर पे जिस वक्त ऑर्डर हुआ था उससे अगर 45 मिनट का डिलीवरी टाइम हो है अगर रेस्टोरेंट का, तो जिस वक्त ऑर्डर लगा है उससे मैं 45 मिनट प्लस करके मैं वो टाइम निकाल लूँगा कि जी इस वक्त डिलीवर हो जाना चाहिए था ये, ठीक है, तो अब मैं कंडीशन क्या लगाऊँगा इस पर, मैं एक जुमला कंस्ट्रक्ट करूँगा कि डियर और उसका मैं नाम लिखूँगा साथ, डियर मिसाल के तौर पे समीर
योर ऑर्डर इज़, और उसके बाद टेम्पलेट में लगाऊंगा मैं वो स्टेटस जो कि अभी पेंडिंग है। अच्छा, और उसके बाद एंड, उसके बाद योर एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिलीवरी इज़, जो भी मैं ऑर्डर का लगने का टाइम था वो, और प्लस करूंगा उसमें मैं 45 मिनट, और वहां पे मैं वो बात लगा दूंगा। समझ रहे हो? तो इस तरह जुमला कंस्ट्रक्ट करके जो भेजने वाला काम है ना, ये चैट बॉट में बहुत करना है हमें, ये बहुत हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के फिर वो चैट जीपीटी से भी ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन चैट जीपीटी जाहिर है वो एपीआई कॉल होती है ना उस पर, और थोड़ा ये काम ना हम चैट जीपीटी से करवा सकते हैं, लेकिन उसमें ना दो मसले होते हैं। उसमें नंबर एक मसला तो ये होता है कि भाई वो एक्सपेंसिव है, पैसे उसमें हर एपीआई कॉल पे वो पैसे चार्ज कर रहा है भाई। अब अगर वो मैं पैसे बचा सकता हूँ तो मैं बचाऊँगा ना बिल्कुल वो पैसे। अगर मैं एक इफ एल्स लगा के एक्स्ट्रा, यानी 4-5 लाइन का कोड लिख के अगर वो मेरे पैसे बच रहे हैं, तो मैं क्यों ना लिखूँ भाई 4-5 लाइन का कोड। तो एक तो ये रीज़न है कि ये मुझे स्टिल करना पड़ता है ये काम। नंबर दो रीज़न ये है कि वो क्योंकि एपीआई कॉल है, तो एपीआई कॉल जब जाती है ना किसी सर्वर पर, वापस आती है, तो 200 मिलीसेकंड या 300 मिलीसेकंड लगना इज़ नॉर्मल। तो मेरा जो ओवरऑल रिस्पॉन्स टाइम है कि बंदे ने एक बात पूछी और उसको जवाब मिला, उसमें 200-300 मिलीसेकंड का इजाफा हो जाता है। तो इस वजह से भी हम एपीआई कॉल ज़रा चैट जीपीटी को इन इन चीज़ों में फ़िलहाल इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे। वेल, चैट जीपीटी चैट बॉट बनाने का एक पूरा फ्रेमवर्क है, उसमें इससे कहीं ज़्यादा बेहतर चीज़ें हो जाती हैं। वेल, हमारे पास लेकिन अभी भी जो प्रोडक्शन में जो चीज़ें चल रही है ना, वो डायलॉग फ्लो चल रहा है। ठीक है, चैट जीपीटी अभी तक किसी ने भी ये बात नहीं की अभी तक कि चैट जीपीटी से ना चैट बॉट बना सकते हैं। सब लोग यही कर रहे हैं कि भाई मेल लिखवा लो, पता नहीं क्या कर लो। ठीक है, तो ये भी इस क्लास में पहली दफ़ा होगा शायद कि हम ये डिस्कस कर रहे होंगे, चैट जीपीटी से पूरा पूरा चैट बॉट हम इस क्लास में शायद पहली बार ही बना रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, मैंने यहाँ पे लाके एक बात लिख देनी है। अच्छा, अब मैं वो कैसे लिखूँगा बात? एक तो तरीका ये हो सकता है मैं लिखूँ लेट और फील्स करके, मैंने एक बना लिया और फील्स करके मैंने उसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दिया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि भाई अगर टेम्परेचर 29 है तो मैं बोलता हूँ कि भाई फील्स इक्वल्स हॉट, सही है, और फील्स इक्वल्स नॉर्मल, सही है। ये मैंने दो बात लिख दी। इफ एल्स ऊपर लग गया, टेम्परेचर मुझे पता चल गया 40 था, फील्स शुरू में मैंने वेरिएबल बना दिया, बाद में मैंने उसमें वैल्यू असाइन कर दी, और यहाँ पे आके अब मैं क्या कर दूंगा, इसको फील्स को प्रिंट करवा दूंगा, इधर फील्स को मैं इधर प्रिंट करवा दूंगा। ये सही है, ठीक ठाक लग रहा है कोड ये। अच्छा, मगर इससे बेहतर एक तरीका हमें प्रोवाइड करता है कौन भला? टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर का बेनिफिट ये है कि मुझे अलग से लिखने के बजाय मैं यहीं पे उसको लिख देता हूँ। अच्छा, तो पहले हम टर्नरी ऑपरेटर का ज़रा हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि उसका सिंटैक्स है क्या। यही वाला जो कंडीशन ये ऊपर लगी हुई थी ना, अब ये कंडीशन मैं किस पे लगाऊंगा? अब मैं ये टर्नरी ऑपरेटर पे लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा भला? मैं लिखूंगा कि जी लेट फील्स इक्वल्स, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है वो ये है, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है वो ये है, टेम्परेचर अगर बड़ा है 29 से, ठीक है, ये पार्ट जो है जैसे इफ एल्स के अंदर ये पार्ट कंडीशन वाला होता है, टर्नरी के अंदर भी ये पार्ट कंडीशन वाला है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, ये इसके सिंटैक्स का पार्ट है, इस क्वेश्चन मार्क से इसको समझ आता है कि ये टर्नरी ऑपरेटर है। अदरवाइज ये अगर ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा भी दो तो चलेगा, मतलब टर्नरी ऑपरेटर का ये ब्रैकेट से ताल्लुक नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क असल में इसको समझाता है। अच्छा, ये ब्रैकेट हम क्यों लगा देते हैं? बेस्ट प्रैक्टिस है ये, ठीक है, बेस्ट प्रैक्टिस इसलिए कि ब्रैकेट से हमें थोड़ा पता चल जाता है कि अच्छा जी ये थोड़ा विजिबिलिटी हो जाती है, तो मैं इसलिए लगाता हूँ। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट आप हटा देना गोल वाली, और थोड़ा रिजेम्बलेंस भी आ जाती है इफ एल्स से, तो एक मुझे कंफर्टेबल फील होता है अगर मैं ये गोल ब्रैकेट लगा दूँ तो। अगर आप ये ना भी लगाएं तो चल जाएगा। अच्छा, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो क्वेश्चन मार्क के बाद ना आप देखें दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, ठीक है, हॉट और नॉर्मल। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये पहली वाली वैल्यू जो है ये क्या होगी? रिटर्न हो जाएगी, ये पहली वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ा है 29 से तो हॉट रिटर्न होगा, अदरवाइज ये सेकंड वाली रिटर्न हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो सेकंड वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अच्छा, रिटर्न होने की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो हमने शुरू से ये देखा है कि रिटर्न होने का क्या मतलब है, कि ये खुद गायब हो जाता है
ये क्या पूरा का पूरा टर्नरी ऑपरेटर का जो स्टेटमेंट है ना, ये खुद गायब हो जाता है और इसकी जगह पे क्या हो जाता है, वो वैल्यू आके यहाँ पे ऐसे यूँ खड़ी हो जाएगी। सही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये अलग से ही वेरिएबल बनाने की भी अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब जब यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होती है तो वो किधर चली जाती है, वो फील्ड्स के अंदर चली जाती है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी ऊपर ले आता हूँ मैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फील्ड्स को यहाँ पे लिख दूँ मैं लाके, ये कर सकता हूँ। अब जो भी फील्ड्स में होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ठीक है, वेदर इज़ हॉट, ये प्रिंट हो गया। लाइन नंबर 18 से मेरे पास ये वेदर इज़ हॉट लिखा हुआ आ गया, लाइन नंबर 18 से। अच्छा, यहाँ सही है, 18 पे कंसोल है ना। अच्छा, क्या मैं ये कर सकता हूँ कि बजाय ये वेरिएबल लिखने के यहाँ पे, ये पूरा का पूरा टर्नरी ऑपरेटर ही कट करके मैं यहाँ पे लाके लिख दूँ, कर सकता हूँ ना ये काम मैं। क्योंकि इस ब्रैकेट के दरमियान में जो भी बात लिखी हुई होती है, इस बात को एज अ जावास्क्रिप्ट कंसिडर करता है ये, और इसको एज अ जावास्क्रिप्ट ही चलाता है, और उसको सिंगल वैल्यू उससे रिटर्न होती है और उसको यहाँ पे वो प्रिंट कर देता है। तो ज़रा इसको अब चला के देखते हैं, तो सेम रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो जो काम मैंने ये 6 लाइन में करना था, 3 और 3 6 लाइन में, वो काम एक ही लाइन में मैंने कर दिया। चाहूँ तो मैं इसको अलग से वेरिएबल में भी कर सकता हूँ जैसे मैंने थोड़ी देर पहले किया था, और चाहूँ तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो रिटर्न करने वाला काम है ना, ये इफ़ एल्स में है ही नहीं। इफ़ एल्स की स्टेटमेंट जब ये पूरी चलेगी ना, ये जितना सेलेक्ट किया हुआ मैंने, ये पूरी चलेगी तो ये रिटर्न क्या करती है, कौन बताएगा? नहीं, जावास्क्रिप्ट के अंदर बाई द वे हर स्टेटमेंट कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करती है। अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी तो अनडिफाइंड रिटर्न करेगी वो स्टिल। ठीक है, हर स्टेटमेंट वैल्यू नहीं, वैल्यू तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो होती है ना वैल्यू, तो हर स्टेटमेंट जैसे मैंने लिखा ना कॉन्सोल डॉट लॉग, अब ये कॉन्सोल डॉट लॉग ये पूरा पूरा स्टेटमेंट जब ये चलेगा ना, तो ये कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। कुछ नहीं करेगा तो अनडिफाइन करेगा, लेकिन करेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ भी ना आए। जावास्क्रिप्ट इज़ डिज़ाइंड दिस वे। तो जब ये इफ एल्स पूरा चलेगा तो ये क्या रिटर्न करेगा, पता है किसी को? अनडिफाइन करेगा। ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा तो अनडिफाइन करेगा, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। हाँ हाँ, मैं बता देता हूँ कैसे। अच्छा, आपको ये चेक करने के लिए आपने इधर आना है कॉन्सोल पे, और यहाँ पे कोई भी आप बात लिखेंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि लेट ए इक्वल्स 5। अब यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे एक एरो बना हुआ है यूँ, ये है आप दे रहे हो इनपुट, सही है, और इसको जैसे ही मैं एंटर करूँगा ना, तो ये रिटर्न, ये जो ऐसे एरो बना हुआ है ना दूसरी साइड, इसका मतलब है कि ये वैल्यू रिटर्न हुई है। तो इस स्टेटमेंट ने क्या रिटर्न किया है, अनडिफाइंड। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब मैं ये लिखूँगा सिर्फ ए, तो ये क्या रिटर्न करेगा, अपनी वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, एंटर किया, अपनी वैल्यू रिटर्न कर दी। ठीक है, इसी तरह मैं कॉन्सोल डॉट लॉग जब रिटर्न करूँगा, कॉन्सोल डॉट लॉग जब मैं रिटर्न लिखूँगा, तो ये क्या दे रहा है मुझे, ये अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है। ये तो वैल्यू प्रिंट हुई है, दिस इज अनदर थिंग रिटर्न, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा। ठीक है, इसी तरह जब मैं इफ़ एल्स लिखूँगा, ठीक है, ये मैंने इफ़ की एक स्टेटमेंट लिखी, और इसमें एक मैं बता देता हूँ कि भाई 3 अगर छोटा है 5 से, मैं इसको लिटरल वैल्यूज़ इसलिए दे रहा हूँ कि वेरिएबल कोई है नहीं मेरे पास। ठीक है, वेरिएबल भी दे सकता हूँ, एक ही बात है, और बॉडी के अंदर मैंने बोल दिया कि भाई लेट ए इक्वल्स 5 मिसाल के तौर पर। तो ये एक पूरी फिर स्टेटमेंट थी, इसने रिटर्न किया मुझे अनडिफाइंड। अच्छा, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर स्क्रिप्ट में अनडिफाइंड रिटर्न करें। हाँ नहीं, अगर मैं बोलूँगा ना कि भाई एक लेट ए, तो मैंने कह दिया कि भाई 5 है, ये बना दिया वेरिएबल, ठीक है, लेकिन इसने अनडिफाइन किया। लेकिन जब मैं बोलूँगा ना ए इक्वल्स टू 6, अब तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, जो वैल्यू असाइन हुई है वो रिटर्न करेगा, अब ये अनडिफाइन नहीं करेगा। ये लेट के साथ जो अनडिफाइन करेगा, ऐसे करके अनडिफाइन नहीं करेगा। अब ये अब कैसे आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ क्या रिटर्न कर रही है? तो ये भाई प्रैक्टिस से आएगा, ये एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा।
जब आप कंटिन्यूसली इस पे काम करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें खुद ही याद हो जाएंगी, जैसे कि मुझे थोड़ी थोड़ी याद हो गई हैं। सारी तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं भी क्योंकि चेक करता हूँ यहाँ पे आके जब ज़रूरत पड़ती है तो, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके आपको याद हो जाएगी। अच्छा, ये नहीं भी याद तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हाँ बट आपको ये पता होना ज़रूरी है। अगर आपको ये पता नहीं है ना कि अच्छा ये क्या चक्कर है, तो ये इशू है। ये याद होना ज़रूरी नहीं है कि क्या चीज़ क्या रिटर्न करती है, वो तो आप चेक कर लेंगे आगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में हर स्टेटमेंट कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करती है। अगर कुछ नहीं करेगी तो अनडिफाइन करेगी। अब वो क्या करेगी वो आप आगे चेक कर लेंगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग सीखना इज़ नॉट अबाउट लर्निंग एवरीथिंग, जैसे वो कहते हैं ना लर्न बाई हार्ट, आप वो पूरा रट लें उसको आप, ये वाला चक्कर नहीं है प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग जब आप सीखते हैं तो असल में आप टूल बॉक्स से इंट्रोडक्शन हो रहा होता है आपका, कि अच्छा जी इस टूल बॉक्स में हथौड़ी भी है, इससे कील ठोकने की ज़रूरत पड़े तो इससे आप ठोक लें, इसके अंदर एक पेचकस है इससे नट टाइट हो जाते हैं, इसमें एक नट बोल्ट टाइट करने वाला है, इसमें एक एल्की है तो एक ख़ास तरह का नट है वो एल्की है वो इससे खुलता है वो, समझ रहे हो, इंट्रोडक्शन होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि अल्टीमेटली आप जी हथौड़ी से कील ठोकना है तो आप कील ही ठोकोगे, अल्टीमेटली ऐसा नहीं होगा, आप कुछ और भी कर लोगे उससे। अब वो तो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। अब बंदे हथौड़ी से क्या क्या कर लेते हैं, अच्छा अब मिसाल के तौर पे कील ठोकनी है हथौड़ी नहीं है, अब क्या करोगे, तो कोई कोई ना कोई दूसरा टूल है, जो मिसाल के तौर पे प्लास से भी कील ठोक जाती है, प्लास टूट जाता है वैसे, मेरे मेरा अगर टूल बॉक्स हो ना और मेरे प्लास से अगर कोई कील ठोक रहा हो तो मेरा दिल करता है मैं उसको खा जाऊँ, कच्चा चबा जाऊँ, क्योंकि प्लास ख़राब हो जाता है उससे। तो क्या कहते हैं, या इसी तरह कोई अगर जो स्क्रू स्क्रू वाला पाना होता है, तो स्क्रू पाने से भी आपने कोई ठोक पीट की ना, वो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है उसका, वो हिल जाता है पूरा। सही है, लेकिन वेल कोई तो दूसरा टूल ऐसा होगा जो भारी भारी इनफ होगा कि जिसको मैं हथौड़ी की रिप्लेसमेंट में यूज़ कर लूँ। तो पॉइंट ये है कि भाई जावास्क्रिप्ट जब आप सीख रहे होंगे ना, या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे होंगे, तो आपका असल में ये टूल बॉक्स से इंट्रोडक्शन हो रहा होता है। तो इंट्रोडक्शन के दौरान आपको पता चला अच्छा हथौड़ी से कील ठोकते हैं, लेकिन आप अगर मिसाल के तौर पे हथौड़ी नहीं चला सकते तो आप कोई दूसरा टूल भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो कहीं लिखा हुआ नहीं है बुक में, ये किसी बुक में आप जहाँ पे भी बुक पढ़ेंगे ना वहाँ पे यही होगा जी कील ठोकनी है तो हथौड़ी चाहिए, कहीं पे भी ये लिखा नहीं होगा कि प्लास से भी कील ठोका जाती है। बट वो आपको पता है ना यार, ये आपकी क्रिएटिविटी और ये कॉमन सेंस की बात है, ये आपके एक्सपीरियंस की बात है। आप कहीं पर भी किसी बुक में ये नहीं लिखा हुआ होगा कि पत्थर उठाओ और पत्थर से भी कील ठोक सकते हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ होगा, होता है कहीं लिखा हुआ, ये कहीं नहीं लिखा होता। सही है, कहीं पे भी ये बात लिखी भी नहीं होगी कि भाई अगर अगर किसी तार में करंट आ रहा है तो अगर टेस्टर नहीं है तो हाथ से छू के भी चेक कर सकते हैं, कहीं नहीं लिखा होता बुक में ये, लेकिन हमारे इलेक्ट्रिशियन हाथ से छू के भी चेक कर लेते हैं, ऐसे करते हैं यूँ करते हैं, पता चल जाता है उनको हाँ यार इसमें करंट है, समझ रहे हो। तो ये लिखा लेकिन कहीं पर भी नहीं होगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी जब आप पढ़ रहे होते हो तो हर चीज़ लिखी भी नहीं होती है, जो ये इसको मैं कहता हूँ वन व्हीलिंग, तो वन व्हीलिंग भी आप कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में। वेल बेहतर ये है कि आप शुरू में बाई द बुक चलें, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना आपके कॉमन सेंस पे बहुत सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। अच्छा, तो ये हमने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ लिया। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर में किसी का कोई सवाल जी? हाँ, अब ये एक अच्छा सवाल आपका कि जी ये तो नॉर्मल एक इफ़ की कंडीशन हो गई, इफ़ और एल्स हो गया टर्नरी में ना। अब मुझे अगर एल्स इफ लगाना है, यानी इसको चेन स्टेटमेंट बनाना है मुझे, तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं ऐसे करूँगा कि सेम वही चीज़ करूँगा मैं जो इफ़ में करता हूँ, यानी कि इफ़ अगर ट्रू है तो ये वाली वैल्यू रिटर्न करे, एल्स में मैंने कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करनी है, अब एल्स में मैंने एक और कंडीशन लगानी है। तो मैं क्या करूँगा, ये पूरा टर्नरी ऑपरेटर मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और एल्स को हटा के और ये पूरा टर्नरी ऑपरेटर यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, ये आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, मैं समझने के लिए आसान तरीका बता रहा हूँ। अच्छा, पहली कंडीशन क्या थी? 29। दूसरी क्या कंडीशन थी हमारी जो लास्ट हमने लगाया था? खैर वो हमने अब गुम कर दिया उसको। अच्छा, अब चाहें अगर आप, तो इसके लिए लाइन ब्रेक भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इस जगह पे आके आपने क्या कर दिया, लाइन ब्रेक कर दिया ऐसे ना, तो उससे क्या होता है ज़रा ये सेट हो जाता है कि जी पहली यार ये अलाइन क्यों नहीं हो रहा, सही है।
यार ये आगे क्यों बढ़ता जा रहा है? नहीं हो रहा, फॉर्मेट सही तो नहीं हो रहा, ये मैं इसको गलत अलाइन कर रहा हूँ क्या? इसमें कॉल बैक हेल बनता जा रहा है। ये फॉर्मेट में कोई चक्कर हो गया है। अच्छा फॉर्मेटर, वैसे ये वी एस कोड का एक तो अपना फॉर्मेट का एक है ऑप्शन, उसके अलावा भी एक प्रीटियर करके एक आता है, और भी हैं बहुत सारे, तो वो फॉर्मेट उससे वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं तो इस्तेमाल नहीं करता फॉर्मेटर वगैरह, लेकिन आप चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो आप इस तरह करके ना इसमें मज़ीद बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि जी वेदर अगर 29 से बड़ा है तो आप बोलो हॉट। अच्छा फिर उसके बाद मैंने बोला है कि भाई अगर 20 से बड़ा है तो आप बोलो नॉर्मल, और सबसे लास्ट में मैंने कह दिया कोल्ड, क्योंकि अगर 20 से बड़ा अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि 20 से नीचे है तो वो कोल्ड है। सही है, तो ये मैंने क्या लगा दिया, एक और कंडीशन लगा दी। अब आप चाहें तो इसमें इस तरह जितनी कंडीशन आप चाहें लगा सकते हैं, जितनी कंडीशन भी आप इस तरह चाहें ना आप इसको लगा सकते हैं ऐसे। तीसरी कंडीशन एक लगा देते हैं जी, कि अगर मैंने बोला कि जी अगर ज़ीरो से भी अगर बड़ा है तो कोल्ड करो इसको, अदरवाइज़ क्या कर दो, डेडली कर दो। अगर ज़ीरो से भी नीचे चला जाए तो डेडली कर दो। ठीक है, तो इसको हम करके देख लेते हैं कि 29 से बड़ा तो इस वक्त ये है, तो अभी हॉट आना चाहिए यहाँ पे फील्ड्स में। यार एक तो ये फॉर्मेट कर रहा हूँ तो ये आगे भाग जा रहा है। सही है, अभी ये हॉट आ गया। अच्छा अब जैसे ही इसको मैं क्या कर देता हूँ, 22 कर देता हूँ जब मैं उसको, यानी कि 20 से बड़ा, तो अब ये नॉर्मल आने लग जाएगा। ठीक है, देखते हैं जी, अब ये नॉर्मल आने लग गया। अब जब मैं इसको क्या कर देता हूँ, 20 से छोटा कर देता हूँ, यानी इसको मैं 18 कर देता हूँ, तो ये अब आने लग जाएगा कोल्ड। ठीक है, अब ये कोल्ड आने लग जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसको कर देता हूँ 0 से छोटा, यानी कि -5, तो अब ये बोलेगा कि भाई डेडली है। ठीक है, डेडली है। अब ये कैसे किया हमने, ये नंबर स्केल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये मैंने नंबर स्केल पे उसको बड़े से छोटे की तरफ चला दिया। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ भी चलाया जा सकता है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल टर्नरी ऑपरेटर को लेके? जी नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न नहीं करता, हमेशा अगर वैल्यू ट्रू होगी, इसकी जो कंडीशन इसकी ट्रू होगी तो पहली वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी जो कॉलन के बाद की जो वैल्यू है। इनलाइन, हाँ इनलाइन नहीं लगता, एफ एल्स जो है ना इनलाइन नहीं लगता, टर्नरी ऑपरेटर इनलाइन इस्तेमाल हो जाता है। यही वजह है कि रिएक्ट में भी जो टेम्पलेटिंग होती है ना, कि जी दरमियान में वो कंडीशनल को एक वैल्यू चेंज करनी है, तो इसलिए उसमें टर्नरी का इस्तेमाल उसमें भी है, रिएक्ट में भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा जब मैं कह रहा हूँ ना कि वैल्यू रिटर्न, मिसाल के तौर पर देखो, अब एक सवाल और भी हो सकता है कि जी कंडीशन ट्रू हुई तो पहली वाली वैल्यू रिटर्न हो गई, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स हुई ना तो इसके बाद वाली जो वैल्यू है, यानी कि ये पूरा आइटम है, तो ये रिटर्न नहीं होगा, ये तो एग्जीक्यूट होगा। तो असल में चक्कर इसमें भी यही है कि भाई अगर यहाँ पे ना इस जगह पे, यानी जब कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू थी तो ये रिटर्न हो गई, अगर ये सिंगल वैल्यू नहीं होती ना, यहाँ कोई जावास्क्रिप्ट होता तो उसको एग्जीक्यूट करके सिंगल वैल्यू पे इवैल्यूएट करके फिर उसको रिटर्न करता, समझ रहे हो? मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ हॉट प्लस और ABC, तो अब ये इसको पहले एग्जीक्यूट करेगा ये सिंगल लाइन पर, ऐसा नहीं होगा कि वो उसको एज इट इज़ रिटर्न करेगा, इसको पहले इवेल्यूएट करेगा सिंगल लाइन सिंगल वैल्यू पर फिर उसको रिटर्न करेगा, समझ रहे हो बात? तो क्योंकि यहाँ पे कोई मैंने सिंगल वैल्यू ही लिखी हुई है डायरेक्ट, तो इसलिए वो डायरेक्ट रिटर्न हो जा रहा है, अदरवाइज़ अगर यहाँ कोई जावास्क्रिप्ट होगी तो पहले उस जावास्क्रिप्ट को वो चलाएगा और चला के जो वैल्यू बनेगी वो रिटर्न करेगा। सही है, ये चक्कर है। हाँ, इफ हमारे पास अनडिफाइन करते हैं, बता तो रहा हूँ, टर्नरी ऑपरेटर का अगर कंडीशन ट्रू होगी तो पहली वाली वैल्यू रिटर्न करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरी वाली, कोई तीसरी चीज़ रिटर्न नहीं करेगा ये। अच्छा टर्नरी के अंदर जो है ना एल्स लगाना ज़रूरी है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ये कर दिया काम। ठीक है, मैंने अभी ये किया जो कि जी
मैंने ये टेम्प लिखा, कंडीशन लिखी और क्वेश्चन मार्क लगा के ना सिर्फ ट्रू की वैल्यू लिखी, फॉल्स की वैल्यू नहीं लिखी है, तो ये जावास्क्रिप्ट के अंदर एरर है। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी एरर है, सी लैंग्वेज में भी है, सी शार्प में भी, सब में एरर है, ठीक है। और मैंने अगर लाइन को टर्मिनेट, देखो वैसे तो लाइन टर्मिनेटर ऑप्शनल होता है, लेकिन अब देखो ये कंसिडर पता है क्या कर रहा है कि इस कॉलन के बाद ये कंसोल लिखा हुआ है, अब तो ये अभी केस कंसिडर कर रहा है, तो मैं इसको लाइन को टर्मिनेट भी कर देता हूँ कि भाई इधर ख़त्म है, ये अगली लाइन से ताल्लुक नहीं है इसका। तो ये एरर उसको दे देना चाहिए कि भाई वो ना लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू रिक्वायर्ड, ये देख रहे अनएक्सपेक्टेड बता रहा है। अच्छा अगर मैं इसको हटा दूंगा ना तो फिर ये समझेगा कि ये कंसोल जो है ना वो है कॉलन के बाद, ठीक है। तो शायद ये एरर, हाँ नहीं एरर अभी भी वैसे दे तो रहे फील्ड्स, हाँ अच्छा देखो अब पता है हो क्या रहा है, क्योंकि इस कॉलन के बाद ये समझ रहा है ना इस कंसोल को, तो क्योंकि ये साइड पहले चलती है, वो कह रहा है फील्ड्स तो मौजूद ही नहीं है, फील्ड्स को कैसे, तो मैं इसको भी रोकूंगा ना, फिर वो सही वाला एरर देगा, वो सही एरर अब वो देगा जाके कि भाई उसके आगे तो आपने लिखा ही नहीं कुछ, अब इसने सही दिया एरर कि भाई सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ इनपुट, ये जो कह रहा है ना, ये इनपुट जो आपने मुझे दिया है प्रोसेस करने के लिए जिसको मैं वैल्यू रिटर्न करूँ, वो कह रहा है अनएक्सपेक्टेड है, वो कह रहा है ये क्या कर दिया आपने भाई, अगर मैं इसमें यहाँ पे एक वैल्यू लिख दूँ तो ये मसला सेट हो जाएगा। हाँ टर्नरी के अंदर कंडीशन लगाना भी ज़रूरी है, क्वेश्चन मार्क भी ज़रूरी है, पहली वैल्यू या उसकी जगह कोई स्क्रिप्ट, और कॉलन के बाद दूसरी वैल्यू या उसकी जगह कोई स्क्रिप्ट, ये ज़रूरी है। अगर इसमें से कोई एक चीज़ में मिस करेंगे टर्नरी ऑपरेटर चलेगा ही नहीं, एरर देगा। ठीक है जी, किसी और का कोई सवाल टर्नरी ऑपरेटर से मुतालिक? नहीं नहीं ये ES6 में भी चल जाता है, ES5 में भी चल जाता है, सब में चल जाता है ये। अबे यार ये अलाइन होने का नाम नहीं ले रहा। अच्छा अब हमने जो ये कंडीशनल ऑपरेशंस सारे देख लिए हमने कि जी हम ना कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम लगा सकते हैं, इफ एल्स हमने देखा और टर्नरी ऑपरेटर देखा दोनों। अब ज़रा ना हम ये जो जितने कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, अभी तक हमने सिर्फ ये ग्रेटर देन और स्मॉलर देन को इस्तेमाल किया ना, अब ज़रा हम क्या कर लेते हैं इस ऑपरेटर्स को ज़रा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। स्विच केस भी हम कर सकते हैं यूज़, लेकिन स्विच केस तो यार एक तो बहुत इजी है, दूसरा ये कि वो टाइम हमारे पर बड़ा शॉर्ट है, तो हमने ना ज़रा गो थ्रू करना है जल्दी, तो स्विच केस इसलिए हम कवर नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। वैसे अगर किसी को इफ एल्स और टर्नरी समझ आ गया तो स्विच केस इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है, स्विच केस भी उसको समझ ईजिली आ ही जाएगा। तो अब ज़रा ना ये हम ऑपरेटर देख लेते हैं।